जो सर्दी होती है उसमें सब कुछ जम जाता है, ऐसी कौन सी चीज नहीं जमती? क्या है, नाक, क्यों? क्योंकि वो बहती है। अरे हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप दैट यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो गाइस, अभी हम लोग स्टॉकहोम अर्लांडा एयरपोर्ट में, और हम लोग आज जा रहे हैं डैश डैश डैश, आप लोग गेस करो कहाँ जा रहे हैं। और फिर अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, एयरपोर्ट पे हम लोग गेट पे बैठे हैं। हमारी 20 मिनट में ही बोर्डिंग चालू हो जाएगी, और क्योंकि मेरी फ्लाइट सुबह सुबह थी और हम लोग घर से अराउंड 8 o'clock को निकले थे, तो रात को सोए, लेकिन बहुत कम सोए। और मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग अभी वो गेट पे बैठे हैं। तो गाइस, अभी हमने बोर्ड कर लिया है और भी लोग बोर्ड कर रहे हैं। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी। सोनी है, सोनी है, तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं इस्तांबुल तुर्की, और अभी लेकिन ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अभी हम एयरपोर्ट में है। तो अभी हमारे ये ट्रांजिट एयरपोर्ट था, अभी हम फाइनल डेस्टिनेशन जाएंगे, उसकी फ्लाइट के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी भी मैं बताऊंगा नहीं हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वहीं जाके आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, अभी हमने अपनी दूसरी फ्लाइट बोर्ड कर लिया और ये जाएगी डायरेक्टली हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला ये झूठा। अगलावा मजबूरी नू आन जान की पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आन सी ओ नहीं। तो गाइस, अभी हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन आ गए हैं। हम लोग अपने अभी अपना बैग भी कलेक्ट कर लिया है, एंड अभी तक आप लोग ने गेस कर ही लिया होगा हम कहाँ पे है, एंड यस वी आर इन कतार। तो गाइस, क्योंकि अभी लास्ट 10 दिन पहले यहाँ पे फीफा एंड हुआ है, तो पूरा एयरपोर्ट मतलब फीफा के लिए डेकोरेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन। ये देखो मेरे पीछे है, यहाँ भी है, मैं अभी आपको सब दिखाता हूँ। Your once in a lifetime is right here and right now from the passion of performing art. Guys, एयरपोर्ट इतना बड़ा लग रहा है स्टॉकहोम का देखने के बाद, क्या बताएं। वैसे है ही वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा है, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। तो गाइस, अभी तो कतार में भी दिसंबर है और विंटर चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे टेम्परेचर है +19, और हम लोग आए स्टॉकहोम से -10 से +19। तो देखते हैं हमको ठंड लगती है कि नहीं, क्योंकि ऐसे +19 स्टॉकहोम के समर में होता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो मतलब वो ठंडी से राहत मिलेगी। कतार बाहर जाने के लिए एक्साइटेड होगी? बिल्कुल एक्साइटेड है, सब लोगों से मिलने के लिए, बाहर जाने के लिए, सबके फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, सबके पास जाएंगे, मिलेंगे, मज़ा करेंगे बहुत सारा। अभी बाहर बाहर कैसे ठंडी गर्मी? हाँ वो तो स्पेशल है, अभी कतार का बेस्ट वेदर है, 18 degrees है, इतनी ठंड में से आके 18 degrees में गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडी भी लगेगी, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी अभी हम लोग यहाँ पे यहाँ से एक सिम कार्ड ले रहे हैं जिससे हमारा कॉल वॉल लग जाए, और फिर अभी जाने वाले हम बाहर। गाइस, पहली बार मैं कतार आया हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी जैसे कुछ स्कूल वूल नहीं जाना, वरना हम कतार आते थे जब वेकेशन ख़त्म हो जाती थी, कहीं से इंडिया से घूम के वापस कतार आते थे। तो पता है अभी 1-2 दिन में स्कूल चालू होगा, वही DPS में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी पहली बार हम टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, तो अलग ही एक्साइटमेंट है बाहर जाने की। तो गाइस, अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी हम लोग अपने होटल में आ गए, एंड कतार आते ही हमने कतार का फ़ायदा उठा लिया, और अभी अभी हमने तलाबाद से खाना ऑर्डर किया है, बहुत ही अच्छा इंडियन खाना जो स्टॉकहोम में बहुत कम होता है। तो
ये देखो हमने ये सब ऑर्डर किया, क्या है? पनीर दाल राइस और नान। तो गाइस अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी हम लोग कतार को घूमने जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स के घर पे जाने वाले हैं। तो कतार में अभी बहुत सारी नई चीज़ें भी बनी है फीफा के टाइम, तो मैं उनको भी व्लॉग करूँगा, तो आपको बहुत सारे अभी नए नए व्लॉग देखेंगे कतार के, तो स्टे ट्यून फॉर दैट और सब देखना। और हमारे होटल से हमारे रूम से व्यू देखो बस, क्या बढ़िया व्यू है। हमारे वाले विंडो से पूरा कतार का कॉर्निश दिखता है जो डाउन टाउन है यहाँ का। So yeah guys, that's it for this video. Please like, share, comment and subscribe. And as always, shukran albida maslama. Take care, taksumikhe and do whatever you want. Bye bye.